स्टार टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक बड़ी खबर मुंब्रा से आ रही है, जहां महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने मुंब्रा से एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम है रिजवान मोमिन, इसे हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि रिजवान मोमिन कौसा चांद नगर के एवन नोरी सोसाइटी में किराए के मकान में रहा करता था। हम जब वहां पहुंचे तो इस किराए के मकान में ताला लगा हुआ था, और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि रिजवान मोमिन जबकि क्लासेस भी चलाता था। हम वहां भी पहुंचे मगर उसके क्लासेस में भी ताला लगा हुआ था। स्थानीय पुलिस ने इस संबंध में कुछ भी बताने के लिए खेद व्यक्त किया है। और रिजवान मोमिन पहले मुंबई में कहीं पर टीचर था, लेकिन उसके बाद जल्द ही करीब एक महीने के आसपास में लगभग में ये मुंब्रा के चांद नगर इलाके में एवन सोसाइटी में किराए के मकान में रहने लगा था। बहरहाल महाराष्ट्र एटीएस ने रिजवान मोमिन को हिरासत में लिया है। जिस तरह से पिछले दिनों 6 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, उसी तरह से पूछताछ में जो जानकारी सामने आई है और मुंब्रा से भी अब एक संदिग्ध व्यक्ति को महाराष्ट्र एटीएस ने हिरासत में लिया है, जिसका नाम रिजवान मोमिन बताया जा रहा है।